स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि आप जो अपना ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन है वो आप कैसे घर बैठ में करेंगे। आपको जो है कॉलेज की तरफ से, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से जो है आपको एक लिंक शेयर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल ये लिंक है, ठीक है। मैं इसमें थोड़ा सा आपको डेमो दिखाने जा रहा हूँ कि आप अपना जो है एग्ज़ाम जो हो कैसे घर बैठ के अपने फ़ोन के थ्रू आप कैसे करेंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले जब आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जब आपने अपना एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया, जब आपने लिख लिया, उसके बाद आपको ये काम करना है। जब आपने अपने आपको जो पेपर मिलेगा, सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपकी टाइमिंग अगर 10 बजे है, आपको अपना आपका पेपर मिल जाएगा, ठीक है। पेपर मिलने के बाद जब आप कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आप स्कैन करोगे। जैसे मैंने पहली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, उसमें आप स्कैन कर लोगे। स्कैन करने के बाद पीडीएफ बनाओगे। पीडीएफ के बाद उसका रीनेम करना है, वो पहली वीडियो में मैंने शेयर किया है कैसे उसको रीनेम करना है। फिर उसके बाद आप इस लिंक पर क्लिक करोगे। थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे, आपके पास जो है इस तरह की एक खुल के आएगा। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा, कोर्स टाइटल लिखा हुआ होगा, ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, कोर्स कोड भी लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है, ठीक है, आपकी सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। देखते जाना, जैसे ईमेल आईडी है, ठीक है, आप सबसे पहले ईमेल आईडी लिखोगे। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो है ये ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं पता है तो कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका ये रोल यूनिवर्सिटी रोल नंबर है। क्लास रोल नंबर जो है इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल 112 आपका क्लास रोल नंबर है, ठीक है। ये भरते जाओगे, फिर उसके बाद जो है आपका कैंडिडेट नाम है, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है साजिद खान, ठीक है। पेरेंटेज है अब्दुल खान। आप भरते जाओगे, जिस पे ऊपर स्टार है ये आप खाली नहीं कर पाओगे। जब तक इसको आप फिल नहीं करोगे, तब तक जो है आपका फॉर्म जो है ये आगे नहीं जाएगा। आपका मोबाइल नंबर फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है। उसके बाद आपका सेमेस्टर है फर्स्ट, ठीक है। जब ये आपने फिल कर ली सारी इन्फॉर्मेशन, जब आपने फिल कर दी, क्या है क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ईमेल आईडी आपको चाहिए होगी, यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, यूनिवर्सिटी रोल नंबर ज़रूरी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन क्लास रोल नंबर इंपॉर्टेंट है। आपका नाम जो है इसको आप, ये कंपलसरी है आपको भरना, पेरेंटेज भरनी है, मोबाइल नंबर भरना है और सेमेस्टर भरना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको क्या करोगे, नेक्स्ट जाओगे, ठीक है। इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन लिखी होगी, क्या जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल इसमें जो दी है, अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8, लेंथ ऑफ ईच क्वेश्चन आंसर शुड बी ओवराउंड 400 to 600 वर्ड्स। फिर उसके बाद आपको जो आपको आंसर शीट जो है पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी है, और 3 घंटे के अंदर ही जो आपको आंसर शीट है उसको अपलोड करना है। जो कैंडिडेट जो है अलॉटेड टाइम में अपलोड नहीं कर पाएगा, उसको अब्सेंट या फेल ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद जब आपके सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, लास्ट एग्ज़ाम के 2 दिन के अंदर आपको सारी जो आंसर शीट्स हैं वो अपने अपने आपके आपको अपने डिपार्टमेंट में यहाँ पे कॉलेज में सबमिट करनी पड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा से आप नेक्स्ट करोगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आपको या तो यहाँ पे भी मतलब ऑनलाइन आपको इस फॉर्म में भी लिखे होंगे, लेकिन आपको अलग से क्वेश्चन जो है वो दिए जाएंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आंसर शीट को अपलोड करना है, ठीक है। ये आंसर शीट सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में ही ये लेगा। जो दूसरे फॉर्मेट में होगी, इमेज में होगी या दूसरे फॉर्मेट में होगी, उसको अपलोड नहीं करेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, पीडीएफ को ही अपलोड करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, ये वाली पीडीएफ है आपके पास, एग्जाम्पल ये है, ठीक है। ये अपलोड हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आप देखते रहेंगे यहाँ पे, फिर जब यहाँ पे आ गई, उसके बाद क्या करोगे, आप अपलोड करोगे। ठीक है, अपलोड होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है सबमिट। ये करना ज़रूरी है, अगर आप क्लिक नहीं करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है।
जब तक आप क्लिक नहीं करोगे तब तक आपका जो है सबमिशन नहीं होगा। उसके बाद आपके पास ये होगा, ये आएगी इन्फॉर्मेशन, योर रिस्पांस हैज़ बीन रिकॉर्डेड। जब आपका ये आपके पास आ गया, योर रिस्पांस हैज़ बीन रिकॉर्डेड, आपको दोबारा सबमिट नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरीज आ रही हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और कुछ स्टूडेंट्स मिलने भी आए हैं। वो कभी मतलब कहते हैं कि हमारी जो शीट्स हैं उसके ऊपर हमें लाइन बनानी है, लाइनिंग, हमें मार्जिन्स लाइन ड्रा करनी है कि नहीं करनी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मार्जिन्स को रिकॉर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई लाइन ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहली वीडियो में मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, बिल्कुल वही करना है। वाइट A4 साइज़ की जो आंसर शीट्स हैं उन्हीं पर ही लिखना है आपको, लाइनिंग वाली या किसी दूसरी शीट पर आपको नहीं लिखना है।